नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन के साथ। काफ़ी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये देखिए, यहाँ सब्जेक्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरे अलग अलग 36 सब्जेक्ट्स के लिए ये रिक्रूटमेंट है। तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी आपको इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखें और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हमेशा की तरह सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहां आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसियां देख सकते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टोटल वैकेंसियां इनके ऊपर बिल्कुल यहां पे दी गई हैं। तो हम पहले यहां से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसियां ही देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, फॉर आर्ट साइंस एंड कॉमर्स फैकल्टी के लिए जो रिक्रूटमेंट आई है उसको इंग्लिश की यहाँ 105 वैकेंसी है, फिलोसफी की 2 है, इकोनॉमिक्स की 103 है, ज्योग्राफी की 5 है, इंडियन कल्चर की 1 है। पॉलिटिकल साइंस की 7 वैकेंसियां हैं, कॉमर्स अकाउंटेंसी की 179 वैकेंसी है, बैंकिंग की 1, बिजनेस मैनेजमेंट की 2, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग की 2, ह्यूमन डेवलपमेंट की 4, होम साइंस की 3, कंप्यूटर साइंस की 7, बॉटनी की 33, जूलॉजी की 6, बायोलॉजी की 4, केमिस्ट्री की 105, फिजिक्स की 64, मैथ की 42, माइक्रोबायोलॉजी की 16, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की 3, बायोकेमिस्ट्री की 3। टोटल वैकेंसियां 197 है आर्ट कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के लिए। उसके बाद लॉ फैकल्टी के लिए लॉ की 19 वैकेंसियां हैं। इसके बाद देखिए, फॉर एजुकेशन बीएड फैकल्टी की भी यहाँ रिक्रूटमेंट आई हुई है। बड़ी ही अच्छी वैकेंसियां हैं। हिंदी मेथड की 6 वैकेंसी हैं, इंग्लिश मेथड की 10 हैं, संस्कृत मेथड की 4, गुजराती मेथड की 7, सोशल साइंस मेथड की 6, साइंस मेथड की 4, मैथ्स मेथड की 10, अकाउंटेंसी कॉमर्स मेथड की 4 वैकेंसी हैं, इकोनॉमिक्स मेथड की 3 वैकेंसी हैं, उर्दू मेथड की 1 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी है बीएड फैकल्टी के लिए 55। उसके बाद रूरल स्टडीज़ के लिए भी यहाँ वैकेंसियाँ हैं। इकोनॉमिक्स बीआरएस की 1 पोस्ट है, एग्रोनॉमी की 1 पोस्ट है, टोटल 2 वैकेंसियां हैं। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन फैकल्टी में भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। फिजिकल एजुकेशन की टोटल यहां 7 वैकेंसियां हैं। तो ये आप देख सकते हैं, टोटल सभी फैकल्टीज़ की मिला के 780 ये वैकेंसियाँ आई हुई हैं। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसी यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये लास्ट में ओपन कैटेगरी की दी गई हैं, जिनके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। बाकी जो कैटेगरीज हैं इनके लिए जो राज्य के स्थायी निवासी हैं वही आवेदन कर पाएंगे। तो कहाँ से रिक्रूटमेंट आ रही है ये भी हम देख लेते हैं और इनके लिए क्या असेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो जानकारी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी इसी वीडियो के माध्यम से। सबसे ऊपर चलते हैं नोटिफिकेशन में। ये देखिए, कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन गांधीनगर गुजरात स्टेट की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। पद का नाम है अध्यापक सहायक। तो अध्यापक सहायक के पदों के लिए ये वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 1 दिसंबर 2020 से इनका स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 21 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। द कैंडिडेट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। बाकी जो कॉमन क्वालिफिकेशन है वो है कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री कम से कम 55% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ आपका नेट क्लियर होना भी आवश्यक है। ये देखिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी सीएसआईआर और इट्स इक्विवेलेंट एजेंसी और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट जीएसएलईटी ऑफ गुजरात इन द रिलेटेड सब्जेक्ट एंड स्ट्रीम। कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी डिग्री बिफोर 11 जुलाई 2009 आर एंड कंप्लीटेड देयर पीएचडी कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट सेट। सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द certificate issued by the university authorities such as vice chancellor, pro vice chancellors, dean academic affairs, dean university instructions as mentioned in the university grant commission. तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी नीचे क्वालिफिकेशन दी गई है। ये देखिए, सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखिए, अध्यापक सहायक इन एजुकेशन बीएड डिग्री कॉलेजों के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में कम से कम 55% अंकों के साथ, उसी के साथ साथ एमएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ, उसी के साथ साथ ए कैंडिडेट मस्ट हैव पास द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाय यूजीसी एंड सीएसआईआर, जो कि मान्यता प्राप्त हो यूजीसी से, एसएलटी या सेट। Only the candidates with PhD degree as per the criteria mentioned in condition number 5 are exempted from NET SLAT. तो ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है अध्यापक सहायक बीएड कॉलेज के लिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन दी गई है अध्यापक सहायक लॉ कॉलेज के लिए। तो यहाँ इनके लिए भी मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ नेट आपका क्लियर होना चाहिए। तो नेट तो जरूरी है ही है अध्यापक सहायक की जो यहाँ वैकेंसियां आई हुई हैं इनके लिए। रिजर्वेशन की जहां तक बात है, रिजर्वेशन फॉर SC, ST, SC, BC, EWS एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज विल बी एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड शुड बी एप्लीकेबल टू गुजरात डोमिसाइल कैंडिडेट्स ओनली। तो कैटेगरी का लाभ जो गुजरात राज्य के स्थायी निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा, बाकी ओपन कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जहां तक इनके लिए पे स्केल की बात है, प्रोबेशन पीरियड में आपको जो सैलरी मिलेगी वो 40,176 रुपये फिक्स मिलेगी। उसके बाद जैसे ही आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, प्रोबेशन पीरियड आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो रेगुलर पे स्केल है उसमें आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद मेरिट कैलकुलेशन का मेथड यहाँ दिया गया है, किस हिसाब से आपकी मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। ग्रेजुएशन लेवल के जो मार्क्स हैं उनके जो मैक्सिमम 21 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। 45% से 55% के बीच में 10 नंबर, 55 से 60% के बीच में आपके मार्क्स हैं तो 16 नंबर आपको मिल जाएंगे, 60 से 80% वालों को 19 नंबर, और 80% से ऊपर हैं आपके ग्रेजुएशन में तो आपको मैक्सिमम 21 नंबर इसमें मिल जाएंगे, तो मैक्सिमम 21 मिल सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए 55 से 60% आपके अंक है तो 20 नंबर, 60 से 80 हैं तो 23, और 80% से ऊपर हैं तो 25 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। M.Phil डिग्री के लिए 55 से 60% के बीच में है तो 5 नंबर, 60% से ऊपर है तो 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। PhD डिग्री के लिए 25 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, इफ कैंडिडेट होल्ड बोथ PhD एज वेल एज M.Phil डिग्री शी ही विल एंटाइटल फॉर मैक्सिमम 25 मार्क्स। उसके बाद नेट और JRF के लिए देखिए, फॉर नेट JRF नेट ओनली GSLEET GSET सर्टिफिकेट विद नेट विद JRF 10 नंबर, नेट ओनली के लिए 8 नंबर, GSLEET और GSET के लिए 5 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो मैक्सिमम यहाँ 10 नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर के लिए भी है, पर रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे, टोटल 6 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के भी यहाँ मार्क्स हैं तो यहाँ भी आप मैक्सिमम 10 नंबर ले सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार का कितना आपके पास एक्सपीरियंस है तो कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर आपके पास अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं तो यहाँ भी आप मैक्सिमम 3 नंबर ले सकते हैं, तो टोटल ये 100 नंबर हो गए। इसमें से मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और टॉप में कैंडिडेट्स हैं उनका ओरल इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ओरल इंटरव्यू, तो ये प्रोसेस है। उसके बाद आगे देखिए कितने कैंडिडेट्स को ओरल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कहीं किसी सब्जेक्ट की सिर्फ एक वैकेंसी है तो 6 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, ये ध्यान रखिएगा जो प्रोसेस ऊपर बताया गया है उसके माध्यम से। अगर 2 वैकेंसियां हैं तो 8 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करके ओरल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर 3 वैकेंसियां हैं तो 10 कैंडिडेट्स को, बाकी 4 या उससे ज़्यादा वैकेंसियां हैं तो हर एक पोस्ट के लिए कम से कम 3 कैंडिडेट्स को ओरल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो पूरा प्रोसेस यहाँ दे दिया गया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। और ये है ऑफिशियल वेबसाइट RASCHEGUJ.in, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखिए RASCHEGUJ.in, यहाँ देखिए लेटेस्ट न्यूज़ इवेंट के सेक्शन में डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में यहाँ दिया गया है और गुजराती लैंग्वेज में यहाँ दिया गया है, आप यहाँ से कर सकते हैं PDF इसका डाउनलोड। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ रजिस्टर करके आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर कर लिया है तो यहाँ क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपके साथ शेयर कर दी गई है, अब देख लेते हैं बाकी की डिटेल्स जो बच गई हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बारी आती है। 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस इसमें निर्धारित की गई है। जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओपन एंड सोशलियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वेयर एज कैंडिडेट्स फ्रॉम डिसेबल्ड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज हैव टू पे ₹100। तो यहाँ आप देख सकते हैं 250 रुपये ओपन कैटेगरी के लिए और सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। बाकी की जो कैटेगरीज बच गई हैं डिसेबल्ड या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज, उनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ निर्धारित की गई है। तो दोस्तों मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल डिटेल में आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट से संबंधित अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।